गुरु श्री प्रकाश नाथ जी को शीश नवाते हैं, फिर आज्ञा पाते हैं। मकर ध्वज के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम सुनो लगाकर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ब्यावर में मकर ध्वज का जहाँ बिगड़े बने सबका। मकर ध्वज का राज तिलक था हुआ, मकर ध्वज के यानी सी मकर क्षेत्र नाम हुआ। दीर्घ काल तक मकर ध्वज ने क्षेत्र पे राज किया, काल क्रम में मकर ध्वज ने निज लोक गमन किया। भूलोक पर गोरखनाथ के रूप में शिव थे आए, ध्वज पंथ की स्थापना करके धूनी वो थे रमाए। अखंड धूनी से धूम शिखा आकाश का स्पर्श कराए, मकर क्षेत्र की पहाड़ियों में अलख निरंजन सुनाए। अब कैसे गोरखनाथ आगे लीला रचाते हैं, पंचदीव जगाते हैं। मकर ध्वज के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ब्यावर में मकर ध्वज का जहाँ बिगड़े बने सबका। पर देव शक्तियों ने अपनी लीला फैलाई, पंच शक्तियों में गोरखनाथ के संग में है हनुमान। घंटा कर्ण महावीर भैरव मकर ध्वज सरकार, इसी स्थान पर सिद्ध योगियों ने जन कल्याण किया। नाथ योगियों के लिए प्रमुख पीठ है ये बन गया, सिद्धनाथ ने इसी स्थान पर तप किया है भारी। बहुत योगियों के बाद है आए नाथ हरि हर योगी। अब आगे हरि हर नाथ योगी की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। मकर ध्वज के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ब्यावर में मकर ध्वज का जहाँ बिगड़े बने सबका। धवल ध्वज थे हुए, राजा के चार पुत्रों में से एक काम ध्वज हुए। काम ध्वज ने अपना जीवन प्रभु भक्ति में बिताया, पुत्र की प्रभु भक्ति करना पिता का रास नाया। धवल ध्वज ने काम ध्वज को दिया था एक आदेश, धरती जीत कर बन जाओ तुम नरेश। पिता की आज्ञा मान काम ध्वज संग सेनी को कुलाए, करने लगे विश्राम राह में हरि हर नाथ जी को पाए। अब
अब कैसे काम ध्वज भक्ति कर प्रभु में रम जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मकर ध्वज के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, तुम सुनो लगा कर जान, हो जाएगा कल्याण, ब्यावर में मकर ध्वज का जहाँ बिगड़े बने सबका। मुझको शरण में ले लो, भक्ति है मेरा काम, काम ध्वज ने अपनी सेना को वापस उठा लौटाया, बन गया योगी काम ध्वज ये संदेशा भिजवाया, काम ध्वज गुरुवर से बोले गुरु मंत्र दो स्वामी, राम नाम का मंत्र दिया और जान गए महाज्ञानी, काम ध्वज ने गुरु के मुख पर देखी थी परेशानी, गुरुवर बोले तीन माह बाद मृत्यु है तुमको आनी, अब काम ध्वज कैसे राम नाम की माला जपती है, हम कथा सुनाते हैं, मकर ध्वज के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, तुम सुनो लगा कर जान, हो जाएगा कल्याण, ब्यावर में मकर ध्वज का जहाँ बिगड़े बने सबका। आज्ञा पाकर जपने लगे राम नाम, राम नाम को जपते काम ध्वज के निकले थे प्राण, काम ध्वज की पुण्य आत्मा फन में थी भटकी, क्रिया कर्म न होने के कारण धरती पर ही अटकी, प्रभु राम के कान में गूंजी काम ध्वज की पुकार, हनुमत को आदेश दिया कहा इसका करो उद्धार, प्रभु राम की आज्ञा पाकर हनुमत कर प्रस्थान, मले पर्वत से चंदन लाकर करे अंतिम संस्कार, सब सुनो काम ध्वज कैसे अब मोक्ष को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मकर ध्वज के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, तुम सुनो लगा कर जान, हो जाएगा कल्याण, ब्यावर में मकर ध्वज का जहाँ बिगड़े बने सबका। की भटकी आत्मा को हुआ था इसका ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति कारण आत्मा अग्नि में करे प्रवेश, मोक्ष पाते ही अतृप्त आत्मा के मिट गए सारे कलेश, चंदन की लौ बुझने वाली थी बची दो आत्माएं, माँ की आत्मा प्रवेश कर गई पुत्र न कर पाए, माता जब पहुंची थी स्वर्ग में हाहाकार मचाए,
रह गया मेरा पुत्र अकेला, कौन उसे मुक्त कराए। अब कैसी भगवन माँ के पुत्र को मुक्ति दिलाती है, पावन कथा सुनाते हैं। मकर ध्वज के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम सुनो लगा कर जान, हो जाएगा कल्याण। ब्यावर में मकर ध्वज का, जहाँ बिगड़े बने सबका। हनुमत मकर ध्वज को बुला कर बोले करो इनकी मुक्ति। तभी से हनुमत और मकर ध्वज यहाँ विराजे हैं। पंच शक्तियों के साथ में सब कार्य साझी है। सारे विश्व में लीला फैलाए धाम मकर ध्वज ब्यावर। मकर ध्वज बालाजी की महिमा जो कोई जन गाए। पूर्ण हो जाए काम काज, सब दुख संकट मिट जाए। हम सब मिलकर श्री मकर ध्वज का ध्यान लगाते हैं, जय जयकारी लगाते हैं। मकर ध्वज के चमत्कार की गाथा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम सुनो लगा कर जा,